बिहार के गया जिले के बाजहट्टी के बरवडिया स्थित कोबरा कैंप में आज सुबह हाईटेंशन तार की चपेट में आने से कोबरा के जवान सुमित कुमार की मौत हो गई, जबकि कर्ण की चपेट में आने से तीन अन्य जवान भी झुलस गए। झुलसे जवान खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल में लाया गया, जहां पोस्टमार्टम करने के बाद सीआरपीएफ गया मुख्यालय में जवान को सलामी दी गई। मृतक जवान मखदुमपुर थाना क्षेत्र के बेकनारी कला गांव के रहने वाले हैं। बता दें कि आज गणतंत्र दिवस को लेकर कोबरा कैंप में जनरोलन किया गया था, जिसके बाद कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी, जिसके दरमियान वहां से गुजरी हाई टेंशन तार की चपेट में कोबरा के चार जवान आ गए, जिसमें कोबरा जवान सुमित कुमार को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में उनकी मौत हो गई। वही अन्य जवान हालात ठीक है, जिसके कोबरा अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। मगध मेडिकल अस्पताल में डिप्टी कमांडेंट अरुण कुमार और कोबरा के जवान सहित मृतक जवान के रिश्तेदार पहुंचे। पीड़ित के परिजन ने बताया कि आज अहले सुबह कोबरा कैंप से फोन आया कि सुमित कुमार को करंट लगी है, जिससे अस्पताल ले जाया जा रहा है, लेकिन कुछ देर बाद कोबरा के कार्यालय से दोबारा कॉल आया कि सुमित कुमार की मौत हो गई है। सुमित कुमार 2017 में कोबरा में बहाली हुआ था, जबकि गया में तीन महीने पहले ही पोस्टिंग किया गया था। उनके पिता शिव कुमार एक किसान है और उनके दो छोटे बेटे हैं, जिसमें मृतक सुमित कुमार छोटे बेटे थे और घर की कमाने वाले यही थे। परिजनों ने सरकार द्वारा उचित मुआवजे की भी मांग की है। कोबरा 205 से बड़ा चट्टी में जो है उसके जवान सुमित कुमार जो मखदुमपुर बुकनारी कला के रहने वाले हैं, सुबह झंडा फहराने के बाद कुछ कार्यक्रम चल ही रहा था, इसी बीच इलेक्ट्रिक करेंट लगने से करीब चार जवान उसमें घायल हो गए। तुरंत हॉस्पिटल लेके गया गया, उसमें एक जवान तीन जवान आपके किस हालत में? और तीन ठीक कोबरा के हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। अब आगे क्या इन लोगों परिवार को लोगों को किस तरह सहायता मिलेगी? जो सरकार का नियम है उसके हिसाब से सर्विस ऑन ड्यूटी इनकी डेथ हुई, तो जितने फाइनेंशियल लाभ मिलते हैं वो सारे लाभ मिलेंगे और इनको प्रॉपर सम्मान के साथ इनका संस्कार भी किया जाएगा। सर आगे की घटना कैसे हुई, क्या वहाँ पर क्या पहले से देखा हुआ नहीं? जिस बिजली का तार है बगल में था और कुछ ये लोग काम कर रहे थे उस समय किसी कितने कितने बजे घटना थी सर? लगभग 9 बजे।